Hello dear students, in this lecture we will discuss about software maintenance issues. Software maintenance के कौन-कौन से issues हैं, तो इसको समझने के लिए industry का software maintenance को देखने का नजरिया एक कारण है. और वो कारण ये है कि industry को लगता है कि product develop कर दिया, host हो गया, हमारा काम खत्म. तो ये एक प्रॉब्लम जो कि चली आ रही है, जिस पर अब शायद पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है और अब मेंटेनेंस को भी ध्यान दिया जा रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा रीजन था. सो बेसिकली आप अगर कोई कंपनी को मेंटेनेंस एक्टिविटी रिपोर्ट होती है, मान लो मेंटेनेंस एक्टिविटी रिपोर्ट हुई, कंपनी के पास वापस पहुंचा, तो कंपनी क्या करेगी? कुछ रास्ते हैं. कंपनी पहले सोचेगी एक एडहॉक पॉलिसी या एडहॉक टेक्निक से, बस यार कैसे भी करके चला के आ जाओ, एक बंदा है ना भेज देते हैं वहां पर, ऑन साइट जाएगा, थोड़ा बहुत समझेगा चीजों को और थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आ जाएगा. क्या उससे कस्टमर सेटिस्फाई होने वाला है? क्या वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम का? समझिएगा. सो एक टाइप का एक इग्नोरेंट बिहेवियर होने के कारण ये एडहॉक टेक्निक का ऑप्शन चूज किया जा रहा है ना. तो इस चीज को सबसे पहले हटाने की जरूरत है कि भाई इट शुड बी समथिंग अनदर वे. अब ये अपन आएंगे वो अनदर वे क्या होती है, ठीक है. Then, systematic and planned activity can be done. So, अब वो another way क्या है? हम यहाँ पर systematic and planned activity incorporate कर सकते हैं या करना चाहिए. Problem क्या है? उस problem को कौन solve कर पाएगा? हम मान लो कि एक expert team है, एक इंटरमीडिएट टीम है और एक बोलना चाहिए फ्रेशर टीम है. तो क्या मेंटेनेंस का काम किसी फ्रेशर के द्वारा कराया जा सकता है? सो इट विल लाइक अ फायर फाइटिंग एक्सरसाइज कि भैया आप चले जाओ, देख लो ये बंदा गया वहां पर, उसने ना अपने जितना बेस्ट कर सकता है बेचारा, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उतने कॉन्टेक्स्ट और केस स्टडीज से होके गुजरा नहीं है वो, तो वो अपने लेवल पर सॉल्यूशन देके आ जाएगा. लेकिन विल इट बी अ राइट सॉल्यूशन? क्योंकि देखो होना क्या चाहिए, जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, उस सॉफ्टवेयर को डिफरेंट फेजेस से होके गुजरना पड़ा, उसमें बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई थी, बहुत सारी केस स्टडीज जनरेट हुई थी, लॉग्स बने थे, है ना. किसने बनाया था? एक टीम थी ना डेवलपमेंट के लिए. क्या उसे टीम से एक बंदा नहीं जाना चाहिए? बेस्ट केस तो यही होना चाहिए कि the person who actually participated in the drill of you know development, in the drill of design, ki context kya tha, perspective kya tha, sari cheeze hai na. So ek cheez to bahut assure ho rahi hai yahan par ki ek documentation ki timeline agar share kar di jaye to ek bar apan us bande ko wo timeline dikha kar bata sakte hain ki context kya tha, wo samjhega thoda bahut, lekin that will also again not a right solution. So hame kya karna chahiye? एक्सपर्ट टीम के बंदे को भेजना चाहिए. सो कंपनीज का एक पर्सपेक्टिव रहता है कि भैया वो और भी तो प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, सो ब्राइट पर्सन, ब्राइट इंजीनियर या फिर एक्सपर्ट या टैलेंटेड बंदे को हम भेज देंगे, तो वो वाला जो सॉफ्टवेयर को करंटली अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, करंटली जिस पर वर्क कर रहा है, वो फिर ना डिले हो जाएगा. सो ये कुछ कंसिक्वेंसेज हैं जो मेंटेनेंस के साथ आते हैं, है ना. सो ब्राइट इंजीनियर को ये स्पेयर करेंगे नहीं, किसी दूसरे पर्सन को उसकी जगह भेज देंगे, तो ऑब्वियसली इट विल बी नॉट अ राइट वे टू डू द थिंग्स. सो सिस्टमैटिक एंड प्लान एक्टिविटी के लिए आपको सही पर्सन का चुनाव, सही पर्सन भी भेजना पड़ेगा, ठीक है. चलिए, सो दिस इज द ओवरऑल यू नो डिस्कशन आई वांट टू शेयर विद यू. अब आपके सामने एक डायग्राम सामने आ रहा है कि देखिएगा, इश्यूज इन सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस चार कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है. टेक्निकल इशू हो सकते हैं, टेक्निकल फीजिबिलिटी के इशू हो सकते हैं, कि हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम जनरेट हो रही हो मेंटेनेंस से रिलेटेड. मैनेजरियल इशू हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हमारी कुछ पॉलिसी को लेकर इशू हो सकते हैं. कॉस्ट एस्टिमेशन इशू हो सकते हैं कि भाई बोलते ना कि यार मेंटेनेंस के लिए इतना अमाउंट हमने डिसाइड किया था, बट ये ओवरफ्लो हो गया है ना, अब हम किसी टेक्नीशियन को भेजेंगे तो कंपनी को खुद ही है ना वो बियर करना पड़ेगा. सो ये भी एक केस हो सकता है, तो उसको लेकर कंपनी ने बोला कि भाई इसको मेंटेनेंस के कॉस्ट को बढ़ाइए, अब वो क्लाइंट एग्री नहीं है उस चीज पर. सो दीज आर द इश्यूज जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए. सो ये हुआ क्यों, अब ये पूरी एक्सरसाइज
इसके बाद जो पॉइंट है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मेजरमेंट, मेजरमेंट को लेकर हमारे जो गणित था, हमारा जो कैलकुलेशन था, वो पर्टिकुलर कैलकुलेशन, वो माइलस्टोन हम नहीं अच्छे से जज कर पाए, इसलिए ये इश्यूज आते हैं। सो व्हाट इज द राइट वे कि मेंटेनेंस को बहुत अच्छे से करना हो, अटेम्प्ट करना हो तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजरियल फिजिबिलिटी, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के जो जितने भी मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, दे हैव टू बी ऑन द यू नो राइट डोमेन, और वो पर्टिकुलर जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको बहुत अच्छे से जज करके हमें करना होगा। इसमें एरर के चांसेस होते हैं और वो होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इटरेशन मेंटेनेंस का लेते चले जाते हैं, जिस तरह से अपने सॉफ्टवेयर में है ना बहुत सारे मॉडल्स बना दिए एज पर द लर्निंग्स, हम मेंटेनेंस में भी मॉडल्स बनाते चले जाते हैं, इन चीजों को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। अच्छा पिछले प्रोजेक्ट में ये इशू हो गया था, अच्छा ये प्रॉब्लम हमने उस समय काउंट नहीं की थी फॉर्मूले में, यह पैरामीटर हमने रखा ही नहीं था इसलिए ये प्रॉब्लम आई थी, चलो इस बार अगली कंपनी का जब अपन मेंटेनेंस ये प्रोडक्ट करेंगे तो हम ये पैरामीटर भी उसमें कंसीडर करेंगे। सो दैट्स हाउ योर प्रैक्टिसेस विल बी यू नो इवॉल्व्ड और मोर बेटर होती चली जाती है। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इश्यूज में इन चीजों का ध्यान रखना होता है, सो दैट वी कैन अचीव अ राइट मेंटेनेंस फीचर एंड वी कैन डिप्लॉय मेंटेनेंस इन अ मोर बेटर वे। थैंक यू।